हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शशि अग्रवाल और आप प्लस वन अकाउंट के अंदर जो लेक्चर हम कर रहे हैं डैट इज़ दी लर्न जर्नल एंट्रीज जस्ट इन 5 मिनट्स, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि मैं आपको बता रही हूँ कि जर्नल एंट्रीज़ को हम किस तरह से सिंपल तरीके से जो है कर सकते हैं, और इसके जो रिटर्न नोट्स हैं वो मैंने अपने ब्लॉग पे डाल दिए हैं। और ये मेरा लेक्चर जो है प्लस वन अकाउंट के लिए तो है ही है, इसके साथ जो पंजाबी यूनिवर्सिटी की MBA है, क्योंकि वहाँ पे भी क्या है कि जो उनका फर्स्ट सेक्शन है वो जो है प्लस वन अकाउंट के साथ मैच करता है, उसी तरह BBA थर्ड सेम, BCOM फर्स्ट सेम, CA and CS फाउंडेशन के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके रिटर्न नोट जो है मैंने अपने ब्लॉग पे डाल दिए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो मैं जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन दिया था, जो पिछला वीडियो था उसके अंदर मैंने एक क्वेश्चन दिया था, उसका हम पहले सॉल्यूशन करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको नए रूल जो है बताऊँगी कि किस तरह से अगर ये इस तरह की ट्रांजेक्शन है तो उसको हमने किस तरह से पास करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रूल्स हैं, मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रही हूँ, ट्रेडिशनल रूल्स हैं। ट्रेडिशनल रूल के अंदर क्या होता है कि अकाउंट जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। पर्सनल अकाउंट होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट जो होता है वो एसेट अकाउंट होता है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। व्हाट कम्स इन, जो चीज़ बिजनेस में आती है उसको डेबिट कर दीजिए, और जो चीज़ बिजनेस के बाहर जाती है उसको क्रेडिट कर दीजिए। नॉमिनल अकाउंट जो होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेंस। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है, और यहाँ पे जो मैं आपको समझाऊंगी भी वो ट्रेडिशनल जो अप्रोच है उसके द्वारा समझाऊंगी। अगर किसी बच्चे को मॉडर्न अप्रोच से समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो यहाँ पे मैं यही वीडियो जो है इसको मॉडर्न अप्रोच के द्वारा जो है वहाँ पे पूरा का पूरा जो है एक्सप्लेन कर दूँगी। तो यहाँ पे हम मॉडर्न अप्रोच के अंदर क्या है कि 5 तरह के अकाउंट होते हैं, एसेट्स होती हैं, लाइबिलिटीज़ होती हैं, कैपिटल होता है, रेवेन्यू होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज होते हैं। तो यहाँ पे जो रूल है कि किस चीज़ को हमने डेबिट करना है, किस चीज़ को हमने क्रेडिट करना है, एसेट अगर इंक्रीज़ हो रही है तो उसको डेबिट कर दो, अगर एसेट डिक्रीज़ हो रही है तो उसको क्रेडिट कर दो। अगर हम एसेट को परचेज़ करते हैं तो वो डेबिट करना है, अगर एसेट को हम सेल करते हैं तो उसको क्रेडिट करना है, क्योंकि सेल करने से एसेट कम हो जाती है। और उसी तरह जो लायबिलिटी है, अगर वो इंक्रीज़ हो रही है तो उसको क्रेडिट कर दो, अगर लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है तो उसको डेबिट कर दो। और उसी तरह अगर कैपिटल जो है इंक्रीज़ हो रही है तो उसको क्रेडिट कर दो, और डिक्रीज़ हो रही है तो उसको डेबिट कर दो। एक्सपेंसेस या लॉसेस जो है उनको, अगर वो इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उनको हम डेबिट करेंगे, और उसी तरह जो इनकम है, रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, गेंस है, उनको हम क्रेडिट करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने ये आपको प्रॉब्लम दी थी, इसको 1 by 1 करके जो है सॉल्व करेंगे। शान इनवॉइस दी गुड्स वर्थ ₹5,000 एट 2% ट्रेड डिस्काउंट, हाफ ऑफ विच वाज सोल्ड टू रहीम एट 20% अबव दी कॉस्ट। तो यहाँ पे देखो हमने इसको किस तरह से सॉल्व किया, क्योंकि मैंने 1 by 1 जो है एक स्लाइड के अंदर जो है एक ही जो पार्ट है उसको स्टडी किया है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो शान इनवॉइस दी गुड्स, इसका मतलब है कि शान से हमने चीज़ें परचेज की है, उसने हमें बिल भेजा है, गुड्स की कीमत जो है 5,000 है, बट उसने हमें 2% ट्रेड डिस्काउंट पे जो है सेल किया है। और हाफ ऑफ ऑफ, देखो जब हमने चीज़ें खरीदी हैं उसके बाद हमने जो रहीम है उसको आधी चीज़ें जो है हमने सेल कर दी हैं 20% अबव द कॉस्ट। तो पहले हम देखते हैं कि जो शान से हमने चीज़ें परचेज़ की हैं उसकी जो लिस्ट प्राइस कितनी है, 5,000 है, और ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 2% है, तो ये ₹100 आ जाता है। नेट प्राइस जो है हमारी 4,900 है, तो उस 4,900 से हमने एंट्री करनी है परचेज अकाउंट डेबिटेड टू शान अकाउंट। तो यहाँ पे क्या है कि देखो जो परचेज अकाउंट है वो जो है गुड्स, रियल अकाउंट है, गुड्स दे आर कमिंग इन द बिजनेस, इस वजह से हमने उसको डेबिट किया है। शान जो है पर्सनल अकाउंट है तो वो गिवर है, उसको हमने क्रेडिट किया है। तो इस तरह हमने नरेशन में लिख दिया बीइंग गुड्स परचेज्ड एट 2% ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद जो सेकंड है, देखो सेकंड के अंदर जो प्रॉब्लम है वहाँ पे क्या है कि हाफ ऑफ विच वाज सोल्ड टू रहीम एट 20% अबव द कॉस्ट। देखो यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि
जैसे 4900 की चीज़ें थी, 4900 की जो चीज़ें हैं उसका जो है हाफ़ कितना होता है, 2452 से डिवाइड कर दिया। अब हमने उसको क्या किया, 20% अबव द कॉस्ट, अगर 100 रुपीज़ की है तो उसको हमने 120 पे सेल किया है। तो इस तरह से 120 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2450, तो इस तरह से हमने उसकी जो है सेल प्राइस निकाल लेनी है। और यहाँ पे आपने क्या है कि देखो जो सेल प्राइस है 2950 है, यहाँ पे इसको मैं ठीक कर देती हूँ, साथ में चेक भी कर लेते हैं कि ये 2950 ही है। तो इस तरह से देखो मैंने यहाँ पे 2450 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 2940। तो इसका मतलब है कि 2940 था वो हमारा राइट था। तो यहाँ पे भी हमने एंट्री के अंदर भी जो है 2940 कर देना है, यहाँ पे भी हमने। तो यहाँ पे देखो क्या है कि आधी चीज़ें जो है हमने रहीम को सेल की हैं, और वहाँ पे भी हमने उसको जो रहीम को चीज़ें सेल की हैं जो कि उनकी जो कॉस्ट है वो 2450 है, लेकिन हमने उनको सेल किया है 20% अबव द कॉस्ट। तो वहाँ पे हमने सेल प्राइस निकाल ली कि रहीम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, तो 2940। तो इस तरह से हमने जो है रहीम जो है पर्सनल अकाउंट है तो ये रिसीवर है, सेल जो है रियल अकाउंट है क्योंकि गुड्स जो है दे आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, तो रहीम के खाते को हमने डेबिट कर दिया, सेल को हमने क्रेडिट कर दिया बींग गुड्स सोल्ड टू रहीम एट 20% अबव कॉस्ट। और उसी तरह ही हम अगला जो प्रॉब्लम के अंदर अगली जो सिचुएशन है सप्लाइड गुड्स, देखो जब भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे प्रॉब्लम को आपने अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हम जर्नल एंट्री नहीं पास कर सकते। सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 2000 टू राम, इसका अर्थ है कि हमने राम को चीज़ें जो है बेची हैं। इशूड इनवाइस से 10% अबव द कॉस्ट, कि जितनी कॉस्ट थी उसे 10% अबव पे हमने उसको सेल किया, इसका अर्थ है कि अगर 100 रुपीज़ की चीज़ है तो उसको हमने 110 पे सेल किया है, और उसके ऊपर हमने 3% ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ पे भी देखो हम सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 2000 टू राम एंड इशूड इनवाइस से 10% अबव द कॉस्ट लेस 3% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे देखो ये वर्किंग नोट जो है मैंने आपको इस वजह से दिए हैं, वहाँ पे भी आपने करके दिखाने हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो लिस्ट प्राइस जो है हमारी 2000 है, तो लिस्ट पहले तो हमने सेल प्राइस जो है कैलकुलेट करनी है क्योंकि यहाँ पे 2000 की कॉस्ट है और उसको हमने 10% अबव द कॉस्ट जो है सेल किया है। तो यहाँ पे 2000 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ पे हमारी जो लिस्ट प्राइस है वो 2200 आ जाती है। अब 2200 का 3% हमने ट्रेड डिस्काउंट निकाल लेना है और 2200 के अंदर से 66 जो है माइनस कर देना है। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ना हम इसको डेबिट करते हैं ना हम इसको क्रेडिट करते हैं, सिंपली नरेशन के अंदर हम इसको मेंशन करते हैं। और ये जो ट्रांजैक्शन है क्रेडिट की है क्योंकि यहाँ पे पार्टी का नाम है बट स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया हुआ कि ये कैश की है, तो ये क्रेडिट है क्योंकि पार्टी का नाम है। तो यहाँ पे पार्टी जो है राम अकाउंट है जो कि पर्सनल अकाउंट है जो कि रिसीव कर रहा है चीज़ों को, और सेल जो है रियल अकाउंट है क्योंकि गुड्स दे आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, तो राम को हमने डेबिट कर दिया और सेल को हमने क्रेडिट कर दिया। और यहाँ पे हमने नरेशन के अंदर लिख दिया बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम एट 10% अबव द कॉस्ट एंड एट द ट्रेड डिस्काउंट 3%। और उसी तरह प्रॉब्लम के अंदर जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है परचेज गुड्स फ्रॉम ए ₹6000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, सोल्ड दी अबव गुड्स टू शाम एट ओरिजिनल प्राइस लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट, 1/2 ऑफ द गुड्स रिटर्न बाय द शाम अबव गुड्स रिटर्न टू ए। तो यहाँ वाला ये पार्ट जो है इसको हम देखते हैं कि किस तरह से हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम पहले जो है बेसिकली क्या है कि देखो यहाँ पे इसके साथ ही मैंने पहले वर्किंग नोट्स दिए हैं। तो यहाँ पे देखो परचेज गुड्स फ्रॉम ए ₹6000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो इसका मतलब है कि लिस्ट प्राइस जो है 6000 है और उसके ऊपर क्या है कि ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया 600 आ जाता है। नेट प्राइस जो है हमारी 5400 पे है। अब देखो यहाँ पे जो है
sold the above goods to Shyam at the original price less 5% trade discount. पहले तो देखो जो हमारी entry 5400 की है वो हम करते हैं, purchases account debited to, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी entries थी तो पहले हमने A से purchase किया है, A जो है giver है तो इसलिए हमने उसको credit कर दिया, A जो है personal account है, purchase जो है हमारा real account है, तो purchases account debited to A account. तो यहाँ पर हमने being goods purchased from Ram at 10% being goods purchased from A at 10% trade discount, यहाँ पे हमने उसको A कर दिया, यहाँ पे गलती से जो है राम लिखा गया. तो यहाँ पे देखो हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट पे परचेज की है. अब अगेन हम देखते हैं कि जो हमने ए से चीज़ें परचेज की हैं उसको आगे हमने शाम को, देखो वो चीज़ें हमने 5400 पे ली हैं लेकिन हमने शाम को 6000 पे 6000 लिस्ट प्राइस बताई है, उसके ऊपर हमने 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया है. तो अब देखो यहाँ पे जो शाम को हमने लिस्ट प्राइस बताई है वो है 6000, तो 6000 के ऊपर जो है हमने 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो जो नेट प्राइस हमने लगाई है वो 5700 की है. तो यहाँ पे हमने जो एंट्री है देखो यहाँ पे हो जाएगी शाम अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड सोल्ड टू शाम एट 5% ट्रेड डिस्काउंट. तो यहाँ पे देखो शाम जो है पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है तो उसको हमने डेबिट कर दिया, सेल जो है हमारा रियल अकाउंट है, गुड्स दे आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया, और यहाँ पे हमने नरेशन में भी लिख दिया बीइंग गुड सोल्ड टू शाम ऑन 5% ट्रेड डिस्काउंट. अब हम देखते हैं कि जो प्रॉब्लम है उसके अंदर और क्या हमें बताया, उसके अंदर ये बताया कि वन हाफ ऑफ द गुड्स जो है वो शाम ने, आधी जो चीज़ें हैं वो हमें उसने शाम ने रिजेक्ट कर दी, वो हमें वापस की हैं, और उसके बाद वही चीज़ें जो हमें शाम ने वापस की थी उसको हमने एक को रिटर्न कर दिया. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो पहले तो हमारे पास शाम से चीज़ें वापस आती हैं, तो इसका मतलब है कि शाम जो है गिवर है, पर्सनल अकाउंट है, सेल्स रिटर्न जो है ये रियल अकाउंट है क्योंकि गुड्स दे आर कमिंग बैक, तो डेबिट कर दो उनको, रियल अकाउंट है. तो यहाँ पे देखो जो हमने चीज़ें बेची थी वो 5700 थी, 5700 का टू जो है हाफ कितना होता है 2850, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शाम अकाउंट, ये तो हमने शाम को सेल किया था. अब हमने ए से परचेज़ किया था, तो ए से जब हमने परचेज़ किया था टोटल जो चीज़ें परचेज़ की थी हमने 5400 की थी, तो आधी चीज़ें हमने उसको वापस की हैं, तो 5400 का हाफ जो है 2700 है, तो ए जो है डेट इज़ द रिसीवर, तो उसको हमने डेबिट कर दिया और परचेज रिटर्न को हमने क्रेडिट कर दिया, ए अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट, बीइंग गुड्स रिटर्न टू ए. तो इस तरह से हमने इसको करना है. ये जो मैंने प्रीवियस जो आपको लेक्चर बताया था उसके अंदर ये क्वेश्चन मैंने आपको डाला था, अगर आपने सॉल्व किया है तो इसके साथ मैच कर लीजिए और देखिए कि कहाँ पे आप स्टैंड करते हो. अब हम जो नेक्स्ट इसके अंदर लर्न करेंगे डैट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ द बैड डेट्स. बैड डेट्स का अर्थ होता है कि जब हमारे कस्टमर जिसको हमने पैसा उधार पे दिया हुआ है या हमने उसको चीज़ें क्रेडिट पे दी हुई हैं, उसका दिवालिया निकल जाता है, तो उसके बाद हम उससे पैसे जो है रिकवर नहीं कर पाते या उस पोजिशन में ही नहीं होता. तो बैड डेट मीन्स मनी विच इज़ ओड बाय द कस्टमर, के जो कस्टमर ने हमारे पैसे देने हैं वो रिकवरेबल नहीं है, तो ये बिजनेस के लिए लॉस होता है. तो यहाँ पे जो एंट्री है हम इसको इस तरीके से करते हैं, बैड डेट जो है उसको हम डेबिट करते हैं क्योंकि वो हमारे पास लॉस होता है, और पार्टी जो होती है उसको हम क्रेडिट करते हैं. तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एंट्री जो है विशाल हूँ ओड ₹10,000 इज डिक्लेयर्ड इंस्टॉलमेंट, कि विशाल जिसने हमारा 10,000 देना था उसका दिवालिया निकल जाता है, अब कोई पैसा उससे हम वसूल नहीं कर सकते, तो पूरा का पूरा बैड डेट हो गया जो कि हमारा लॉस है. तो बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू विशाल अकाउंट, तो यहाँ पे हमने देखो लिख देना है कि बीइंग डेट रिटर्न ऑफ, डेट का अर्थ होता है कि जो हमने विशाल को पैसे दिए थे अब वो हमारा बैड डेट हो गया जो हम रिकवर नहीं कर सकते. और देखो कई बार ऐसा भी होता है, ये तो कंप्लीट पैसा डूब गया, कई बार ऐसा होता है कि कुछ पैसा जो है हमें रिकवर हो जाता है, तो उस सिचुएशन के अंदर हमने कैसे करना होता है. देखो यहाँ पे नंदू जिसने हमारा 40,000 देना था उसका दिवालिया निकल गया, ओनली 40 पैसा इन ए रुपी इज रिकवर्ड. देखो यहाँ पे 40 पैसा को देख के बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, 40 पैसा का अर्थ होता है 40%, इसका अर्थ है कि 41 रुपए के अंदर 40 पैसा, तो 100 के अंदर 40 रुपए, तो 40%, जहाँ पे भी 10 पैसा 20 पैसा आ जाता है तो 20% मतलब वो परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर लेना आपने. तो यहाँ पे देखो 40,000 जो है हमने नंदू से लेना था,
अमाउंट उससे लेना था 40,000, लेकिन बेसिकली वो हमें 40% ही देता है। 40% 40,000 का 16,000 हो गया, तो बैड डेट हमारा 40,000 के अंदर से 16,000 माइनस कर देंगे तो 24,000 है। तो अब देखो यहाँ पे ये भी कंपाउंड एंट्री है, क्योंकि यहाँ पे नंदू जो है कॉमन है, तो यहाँ पे कैश हमारे पास आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड 16,000, बैड डेट हमारा जो लॉस है वो 24,000 टू नंदू कार्ड, बीइंग 40 पैसा इन ए रुपी रिकवर्ड फ्रॉम नंदू ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी जो होती है दिवाली निकल गया। और उसी तरह कई बार क्या होता है कि जो हमने पिछले साल बैड डेट मान लिया होता है, इस साल वो बंदे की अंतरात्मा जाग पड़ती है या उसका बिजनेस सर्वाइव हो जाता है तो वो हमें पैसे लौटा जाता है। तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि जब हमारे बैड डेट रिकवर होते हैं तो वो हमारी इनकम होती है, तो वहाँ पर हमने पार्टी को ना डेबिट करना होता है ना क्रेडिट करना होता है। रिकवर्ड रुपीज़ 23,400 फ्रॉम मदान हुज अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। इसका जो सिंपल अर्थ है कि मदन जिसको हमने बैड डेट मान लिया था वो हमें 23,400 दे जाता है। तो ये 23,400 जो है हमारी इनकम है, और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। तो यहाँ पे हमने पार्टी को कुछ भी नहीं करना, ना डेबिट ना क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारे पास कैश आ रहा है, क्योंकि वो हमें कैश जो है रियल अकाउंट है, कैश इज़ कमिंग इन द बिजनेस, और बैड डेट रिकवर्ड जो है हमारी इनकम है। तो उस सिचुएशन के अंदर जब भी हमारी बैड डेट रिकवरी होती है तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। अब देखो जो बिजनेस है उसके अंदर क्या होता है कि सब कुछ कैश के द्वारा नहीं होता, चेक के द्वारा होता है। कुछ पेमेंट्स हम जो है कुछ पैसे भी हम जो वसूल करते हैं चेक के द्वारा करते हैं, कुछ पेमेंट्स भी हम चेक के द्वारा करते हैं। तो लिमिटेड मात्रा के अंदर जो होता है कैश का इस्तेमाल होता है। अगर जब हम बैंक के अंदर कैश जमा कराते हैं तो इट मीन्स कि बैंक जो है पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, कैश जो है रियल अकाउंट है, कैश जो है डेट इज़ गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट जब हम बैंक के अंदर कैश जमा करवाते हैं। और नीचे हम लिख देते हैं बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। उसी तरह कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो यहाँ पे जब हमने बैंक से पैसे निकाले हैं तो नेचुरली बैंक जो है गिवर है, तो बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया कैश हमारे पास। जब देखो बैंक में पैसे निकलवाते हैं तो हमारे पास पैसे आ जाते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। तो बीइंग अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस, अगर डिपॉजिट करते हैं तो बैंक रिसीव करता है, अगर विदड्रॉ करते हैं तो हमारे पास कैश आ जाता है। तो जब डिपॉजिट करते हैं तो बैंक अकाउंट टू कैश, जब विदड्रॉ करते हैं ऑफिस यूज के लिए निकालते हैं तो कैश अकाउंट टू बैंक। और उसी तरह हम देखते हैं कि कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। देखो यहाँ पे हमने ऑफिस यूज़ के लिए नहीं निकाला, जो बिजनेसमैन है उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है, तो वो ड्राइंग है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ड्राइंग जो है नेचुरली यहाँ पे क्या है कि देखो जो ड्राइंग है वो बिजनेस के लिए एसेट है, क्योंकि उसने बिजनेसमैन से वो लेने हैं पैसे। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट बीइंग अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर द पर्सनल यूज़। उसी तरह हम किसी पार्टी से चेक रिसीव करते हैं और बैंक के अंदर सेम डे डिपॉजिट कर देते हैं, तो वहाँ पे देखो जो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अमन अकाउंट, बैंक जो है रिसीव कर रहा है, अमन जो है गिवर है। और उसी तरह क्या है कि अगर जो चेक हमने बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाया है अगर वो हमारे खाते में जमा नहीं हो पाता, डिसऑनर हो जाता है, तो उस सिचुएशन के अंदर हमने रिवर्स एंट्री कर देनी है। जैसे पहले हमने अमन को क्रेडिट किया था तो आप अमन को डेबिट कर देंगे और बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। और उसी तरह क्या होता है कि जब हम किसी पार्टी को चेक के द्वारा पेमेंट करते हैं, जैसे यहाँ पे है कि चेक पेड टू राम फॉर 2000, तो वहाँ पे देखो क्या होता है कि राम जो है डेट इज़ द रिसीवर और बैंक जो है गिवर है, तो वहाँ पे हम राम अकाउंट डेबिटेड टू बैंक कर देंगे जब हम चेक के द्वारा पेमेंट करते हैं। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो एक्सपेंसेस जो होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का अर्थ होता है कि जो एक्सपेंसेस ड्यू हैं वो इस करंट ईयर को बिलोंग करते हैं बट अभी हमने पे नहीं किए, तो वहाँ पे जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंस अकाउंट होता है उसको हम डेबिट करते हैं। और एक्सपेंस अकाउंट जो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है तो इसको हम क्रेडिट करते हैं, ये हमारे लिए लाइबिलिटी भी होता है। तो सैलरी ऑफ द करंट ईयर आउटस्टैंडिंग रुपीज़ 13,000, तो यहाँ पे हमने सैलरी को डेबिट कर दिया और आउटस्टैंडिंग सैलरी को हमने क्रेडिट कर दिया। और उसी तरह क्या है कि देखो एक्सपेंसेस पेड एंड आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे
पिछले साल की जो आउटस्टैंडिंग सैलरी थी वो हमने पे की है, तो यहाँ पे सैलरी आउटस्टैंडिंग को हम डेबिट कर देंगे और कैश जो है पे करें उसको हम क्रेडिट कर देंगे। और अगर हमने सैलरी जो है एडवांस में पे की है तो उसको प्रीपेड सैलरी भी कह सकते हैं। सैलरी पेड इन एडवांस को हम डेबिट कर देंगे और सैलरी को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि वो सैलरी जो है अभी ड्यू नहीं हुई, तो इस वजह से क्या है कि सैलरी पेड इन एडवांस जो है हमारे लिए एसेट है तो उसको हम डेबिट करेंगे। और सैलरी जो है क्योंकि अभी हमने हमारा वो एक्सपेंस ड्यू नहीं हुआ तो उसको हम इस तरह से जो है उसकी एंट्री करते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो इनकम रिसीव्ड एंड इनकम आउटस्टैंडिंग है उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो, रेंट ऑफ द करंट ईयर ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, अब हमारी इनकम जो है ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी हमने रिसीव नहीं की, तो ये हमारे लिए एसेट होता है। एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, तो यहाँ पे हमने इसको जब हमारा इनकम ड्यू है, क्योंकि इनकम ड्यू है तो इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, बिग रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। और उसी तरह रेंट ऑफ लास्ट ईयर ₹24,000 रिसीव, तो यहाँ पे हम कैश अकाउंट डेबिटेड टू एक्रूड रेंट। और उसी तरह जब हम एडवांस में पे करते हैं रिसीव करते हैं तो यहाँ पे हम करते हैं कैश हमारे पास आ रहा है और जो रेंट हमने एडवांस में रिसीव किया है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी होती है। तो इस तरह से हमने काफ़ी कुछ लर्न कर लिया है। तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, वो आपने सॉल्व करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है, आपने टेस्ट करना है कि आपको एंट्री आती है कि नहीं आती। आपने देखो, जो मैं अभी बता रही हूँ, मैं अभी रफ के अंदर ही एंट्रीज़ कर रही हूँ, तो आपने वहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट के जर्नल का फॉर्मेट है, जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर हम फॉर्मेट के अंदर ही जो है जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो यहाँ पे देखो, राम कमेंस बिजनेस विद कैश, परचेज मशीनरी फॉर ₹12,000, गुड्स परचेज फॉर ₹15,000, सोल्ड गुड्स फॉर ₹23,000, विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी, पे मिस्टर बी ₹716 फुल सेटलमेंट, पेमेंट मेड टू शाम बाय चेक फॉर ₹8,000, अमाउंट ड्यू फ्रॉम ए वाज ₹2,000 ओनली, 60 पैसा इज रिकवरेबल ड्यू टू इनसॉल्वेंसी ऑफ द मिस्टर ए। तो यहाँ पे क्या है कि आपने इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है, और मैं अगले लेक्चर के अंदर आपको बताऊँगी कि ये क्वेश्चन जो है हमने किस तरह से सॉल्व करना है, तब आपने देखना है कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं।